हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के बारे में बताऊंगा, जो रिजल्ट के बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करने वाला हूं। टेंथ और ट्वेल्थ के रिजल्ट के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताने के लिए जा रहा हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन डिसाइड आप लोगों को करना है कि मैं सही बोला या गलत बोला। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस रिजल्ट लेके मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हूँ, बहुत ज़्यादा। और आज मैं आपको बताता हूँ कि केवल 25 दिन में, देखिए 25 दिन में जो है सो 16 लाख विद्यार्थी का कॉपी क्या कर देना, चेक कर देना, ये कोई क्या होता है, ये मामूली बात नहीं होता है। 25 दिन का दिन, देखिए पहले क्या होता था, 4-5 साल पहले अगर आप देखते ना, तो रिजल्ट अगर देते थे तो टाइम लगा के देते थे, 2-3 महीना लगा के जो है सो रिजल्ट क्या करते थे, आपको देते थे। और रिजल्ट जब देते थे तो उतना अच्छा भी रिजल्ट नहीं रहता था। आप भली भांति जानते होंगे, अभी जैसे आप देख रहे होंगे अगल बगल में जो स्टूडेंट अगर अच्छा भी नहीं रहता है ना, उस स्टूडेंट का नंबर आप देखोगे तो आपको सुन के आश्चर्य लगेगा। मतलब 400 नंबर तो एक खिलौना हो गया है। फर्स्ट डिविजन का तो बात ही छोड़ दीजिए आप, 400 नंबर खिलौना हो गया है। फर्स्ट डिविजन तो ढेर सारा क्या होता है, होता है और फेल भी होता है। फेल बहुत मिनिमम में होता है और आपको सेकंड डिविजन थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फर्स्ट डिविजन बहुत ज्यादा और 400 तो मतलब बहुत स्टूडेंट को आपको देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को ये बता दूं दोस्तों कि आखिर कैसे 25 दिन में जो है सो आखिर ये 16 लाख कॉपी कैसे चेक हो जाता है। केवल इस 25 दिन में तुरंत जो है सो 12th का रिजल्ट दिया, और रिजल्ट के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर ये बिहार बोर्ड वाला रिजल्ट कैसे देते हैं। और ये जितने भी बिहार के जो जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये समझ लीजिए इसके साथ जो आप कहोगे कि इसका रिजल्ट बढ़ा के ये जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, समझ लीजिए हमको लग रहा है दोस्तों कि पैर पे क्या मारा जा रहा है, कुल्हाड़ी मारा जा रहा है। आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जिसका रिजल्ट अगर ये ढेर सारा अगर देता है ना, तो इससे क्या होगा, वो मतलब क्या कर पाएंगे, वो मतलब क्या करेगा नहीं करेगा, मुझे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है आजकल। मतलब पहले ऐसे था तो मतलब विद्यार्थी से फेल भी होते थे, अब तो फेल होने का नामो निशान क्या हो गया है, मिट गया है। और फेल अगर होता है ना, तो इसके बाद भी जो है सो क्या कर दिया जाता है, मतलब 10 दिन या 15 दिन के बाद फिर जो है सो क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि 4-5 साल पहले का रिजल्ट आप देखोगे तो मतलब विद्यार्थी का रिजल्ट कम होता था, लेकिन उस विद्यार्थी के पास जितना एक्सलेंट है, जितना दिमाग है ना, आज के विद्यार्थी के पास आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिहार बोर्ड क्वेश्चन तो आज तो मतलब क्वेश्चन तो बहुत इजी कर ही दिया है, इजी क्या कर दिया है, जिस प्रकार क्वेश्चन पहले पूछा जाता है वही क्वेश्चन अभी भी जो है सो पूछा जाता है, सेम है। बस जो है सो कुछ ऑब्जेक्टिव सब चेंज किया गया है, कुछ जो है सो नंबर सब चेंज किया गया है, नहीं तो अदरवाइज वही क्वेश्चन क्या किया जाता है, आपको पूछा जाता है, कुछ डिफरेंस नहीं, बस ऑब्जेक्टिव सब थोड़ा जो है सो क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। और कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जिस मतलब कोई स्टूडेंट जैसे टेंथ का जिस प्रकार रिजल्ट होता है ना आपको, जैसे मैं टेंथ का जिस प्रकार रिजल्ट हुआ, अच्छा से कॉपी चेक होता है या नहीं होता है, जो स्टूडेंट अच्छा नहीं रहता है तो समझ लीजिए उस स्टूडेंट का कभी कभी अच्छा नंबर जो है सो हो जाता है, पता नहीं ये कैसे होता है। स्कूल का बात करो, अगर मेरा भी, मैं बहुत ही स्टूडेंट को जो है सो मैं पढ़ाता था, जिस स्टूडेंट पे ज़्यादा विश्वास था, जो स्टूडेंट क्लास में ज़्यादा तेज थे ना, तो उस स्टूडेंट का नंबर कम हो गया, जो थोड़ा कम थे वो स्टूडेंट का नंबर बहुत ज़्यादा भाग जाता है। ये बिहार बोर्ड का नियम है। आखिर किस प्रकार कॉपी चेक होता है आप बताओ, जो स्टूडेंट पे विश्वास नहीं हो कि ये फर्स्ट डिविजन करेंगे, वो स्टूडेंट फर्स्ट डिविजन से क्या उससे भी ज़्यादा 400 नंबर मार देते हैं, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तो पॉसिबल हो सकता है कि वो घूस दिया हो, आखिर कहीं किसी के पास उसको जान पहचान हो या पैसा वैसा दे के वो नंबर खरीद लिया हो। या दूसरा बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बोर्ड का एग्ज़ाम का क्या हो सकता है, लापरवाही हो सकता है। 2 साल लेके मैं दिमाग लगा रहा हूं दोस्तों, जो मतलब ये 12th का जो आपको रिजल्ट दिया जा रहा है, तो 12th का रिजल्ट जो दिया जा रहा है ना, तो आप देखिए कि मैट्रिक के तर्ज पर दिया जा रहा है कि मैट्रिक में स्टूडेंट का कितना नंबर है, उसी हिसाब से किसी को मतलब सेम का सेम कर देता है, या किसी को 10 बढ़ा देता है, किसी को 5 बढ़ा देता है ना, मतलब इस हिसाब से जो है सो मतलब 12th में नंबर दिया गया है, और उसी विद्यार्थी को बढ़ाया गया है जो आपको सेकेंड डिवीज़न है। अगर फर्स्ट डिवीज़न में मान के चलिए वो 400+ है ना, तो उसका नंबर कम भी हो गया है, ये जो आप कहोगे कि 400+ है तो और ठेका देगा आगे, वो नहीं, तो मतलब उससे कम कर दिया गया है। और जो 300 कुछ है, मतलब 350 या उसके अंतर्गत कुछ आता है, या सेकेंड डिवीजन आता है, उसको आगे बढ़ा दिया गया है, किसी को 10 बढ़ा देता है, किसी को 20 बढ़ा देता है, किसी को सेम का सेम ही कर देता है। जिस प्रकार 10th में रिजल्ट आता है, सेम उसी प्रकार क्या दे देता है आपको, 12th में रिजल्ट दे देता है। तो आप ही जरा सोचिए, ये रिजल्ट देके जो है सो ये बिहार सरकार, जो भी ये बोर्ड अध्यक्ष है ना, ये विद्यार्थी का क्या कर रहा है, कैरियर तबाह कर रहा है। रिजल्ट तो दे देता है, लेकिन इसका ब्रेन तो वैसे का वैसे ही कमजोर है, और 10th में रिजल्ट जब अच्छा हो जाता है
तो मान के चलिए वैसे ही स्टूडेंट को रिजल्ट देना चाहिए सही से चेक करने के बाद, जो सही में स्टूडेंट क्या किया हो, लिखा हो, जिसके पास क्या हो, क्वालिटी हो, सही में वो पढ़ के लिखा हो। लेकिन ऐसे ऐसे स्टूडेंट सब जो है सो 400 प्लस नंबर ला लेता है, जिसके पास उतना क्वालिटी भी नहीं हो, मतलब जिसके पास उतना क्षमता भी नहीं हो लाने का, ऐसे ऐसे स्टूडेंट ला लेते हैं। और इसके बाद ट्वेल्थ में तो वो पढ़ाई भी नहीं करते हैं, और इसके बाद जब पढ़ाई भी नहीं करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आपको बिहार में ऐसे ऐसे भी अभी मिलेगा जो आपको 100% में से 50% आधा बच्चा जो है सो आपको टेंथ पढ़ने के बाद मन लगा के नहीं पढ़ाई करता है, केवल 50% ही जो है सो आगे बढ़ता है और मन लगा के पढ़ने का कोशिश करता है, क्योंकि वो सोचता है या कि मुझे अगर टेंथ में अच्छा नंबर आ गया तो ट्वेल्थ में भी क्या आ जाएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा, जिस प्रकार टेंथ में आया है सेम ट्वेल्थ में ही दिया जाएगा, क्योंकि मैं 2-3 साल से इसी प्रकार मैं क्या कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ, जिस प्रकार टेंथ में रहता है सेम उसी प्रकार जो है सो ट्वेल्थ में ही नंबर दे देता है आपको, किसी का 10 बढ़ गया, किसी का 20 बढ़ गया, किसी का 30, किसी का सेम, और 400 जिसका रहता है उसका कम ही हो जाता है, किसी किसी का उतना ही हो जाता है। इसी प्रकार आपको जो है सो रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आप सोचिए मैं आप लोगों को गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, आप स्वयं विचार कीजिएगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। दोस्तों आप समझ गए होंगे तो यही है कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है सो समझ लीजिए विद्यार्थी को क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। इसका रिजल्ट इतना अच्छा दे दे के जो है सो स्टूडेंट का लाइफ क्या कर रहा है, चौपट कर रहा है आपको। जो स्टूडेंट अच्छा है वो स्टूडेंट कम नंबर आ जाता है, जो स्टूडेंट नहीं अच्छा रहता है वो स्टूडेंट आपको क्या ला लेते हैं, बहुत अच्छा नंबर ला लेते हैं। पता नहीं ये कैसे होता है, मैं इतना दिन का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत बार ऐसा जो है सो मैं देखा, आखिर क्या क्यों होता है ऐसे, आप जरा मुझे बताइएगा। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इसके बारे में आप क्या राय और विचार देने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।